गुड मॉर्निंग एवरीवन, श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट से क्वेश्चन नंबर 8। आज आप देखेंगे कि फंड फ्लो स्टेटमेंट किस तरीके से तैयार करना है हमें, और जो बेसिक इससे जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट से जुड़ी हुई, वो किस तरीके से तैयार करनी है। स्टार्ट करें हम लास्ट से आगे उसी क्रम में। लास्ट वीडियो में आपने 7 क्वेश्चन तक जो क्वेश्चन देखे थे हमने किस तरीके से उनको किया था, और उसके बाद में आज 8वां क्वेश्चन है। 8वें क्वेश्चन में सबसे पहले जो चीज़ें दे रखी है हमें, वो आप देखेंगे यहाँ बैलेंस शीट दे रखी है। इसमें 2013 और 14 के आंकड़े दे रखे हैं, ठीक है। इसमें शेयर कैपिटल है जो 13 और 14 की दे रखी है, 10,000 और 15,000। जनरल अकाउंट 4,000, 6,000। प्रोविजन फॉर टैक्स 2,000, 3,000। प्रपोज डिविडेंड 1,000 और 2,500। और क्रेडिटर दे रखे हैं 4,000, 6,000। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000 है दोनों साइड में, तो इसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं हुआ है। फिक्स असेट्स 10,000 और 20,000, और करंट असेट्स है 13,000 और 14,500। तो इस तरीके से हमें ये बैलेंस दे रखी है। हमें जो चीज़ निकालनी है, सबसे पहले फंड फ्लो स्टेटमेंट जब भी हम बनाते हैं तो उसके लिए हमें चाहिए जो वर्किंग कैपिटल जो उसमें इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ उसका जो डेटा होता है वो। तो उसके लिए सबसे पहले हमने एक प्रारूप बना रखा है, शेड्यूल ऑफ चेंज इन WC। तो पहले हमने ये बना लिया है, तो इसमें हम क्या बनाएंगे, इसमें वर्किंग कैपिटल में क्या चेंज आया है वो बताएंगे, इसमें इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ वो बताएंगे। फिर उसके बाद में हम बनाएंगे जो एडजस्टेड P&L अकाउंट और छोटे जो खाते होते हैं वो, जो वर्किंग नोट के रूप में होते हैं। उसके बाद में लास्ट में होगा वो हमारा होगा फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो करते हैं स्टार्ट हम हमारे इस टॉपिक को। तो सबसे पहले हमें इसमें लेना है वो है करंट एसेट्स, इसका हम नाम देंगे ए। ए है तो क्या है, CA, करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स हमें सीधी दे रखी है, टोटल इसके आंकड़े दे रखे 13,000 और 14,500। तो मैं लिखूंगा 13,000 और 14,500। इंक्रीज हुआ है इसमें, देखिए आप इसमें तो वो हो रहा है 1500, तो 1500 का हम इंक्रीज यहाँ लिखेंगे, और उसके बाद में इसका टोटल कर देते हैं। तो टोटल आ जाएगा यहाँ इसका सेम ही है, 13,000 और 14,500। इसके बाद में लिखेंगे यहाँ बी, CL, करंट लाइबिलिटीज़। तो उसके जो पार्ट्स दे रखे हैं यहाँ दो है, क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्रेडिटर दे रखे हैं वो है 4,000, 6,000, 13 में 4,000 और आगे 14 में है जो 6,000 है। इसके बाद में आउटसाइड एक्सपेंसेस है वो है 2,000 है दोनों साइड में ही, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में कोई चेंज नहीं हो रहा है। और क्रेडिटर में आप जरूर चेंज देख रहे हैं, इसमें इंक्रीज हुआ है। तो आप जानते हैं करंट लाइबिलिटीज़ में यदि इंक्रीज होता है तो उसको कहाँ लिखना है, हमें डिक्रीज में लिखते हैं। तो इसमें इंक्रीज हुआ तो हमें लिखना हो किस में, डिक्रीज में, कितना 2,000 से। तो ये हमने 2,000 लिख दिए हैं यहाँ, इसका भी टोटल कर लेते हैं। टोटल में इसका आ जाएगा 6,000 और यहाँ आ जाएगा 8,000। अब जो मेन लाइन होती है हमारी, यहाँ खींच देते हैं हम एक बार, इसमें लिखते हैं इसमें लिखना है सबसे पहले WC, करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज गिनना है। तो यहाँ करंट एसेट्स की जगह लिखना है हमें ए, क्योंकि करंट एसेट्स को हमने ए नाम दिया है, करंट लाइबिलिटीज को हमने बी नाम दिया है। तो इस तरीके से ए माइनस बी लिखूंगा मैं, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज नहीं लिख करके यहाँ मैंने ए माइनस बी लिख दिया है। तो 13,000 में से 6,000 घटाएंगे तो आएगा यहाँ 7,000, 14,500 में से 8,000 घटाएंगे तो बचेगा 6,500। तो इस तरीके से यहाँ देख रहे हैं आप कि एक्चुअल में 2013 में हमारी वर्किंग कैपिटल थी वो थी 7,000, और 14 में कम हो गई है, डिक्रीज हो गई है, वो है 500 से। तो यहाँ लिखेंगे डिक्रीज इन WC, तो
तो ये कितनी है 500, इधर इनका भी टोटल कर देते हैं, इधर 1500, इधर इसका है 2000, डिफरेंस जो है 500 का यहाँ आ जाएगा, इधर बैलेंस बराबर हो जाएगा 2000 से, और इधर जो बैलेंस हो जाएगा बराबर वो हो जाएगा 7000 से। तो इस तरीके से हमने इसको बराबर कर दिया है। तो ये था शेड्यूल डब्ल्यू सी में चेंज का। तो इस तरीके से ये हमारा टॉपिक है जो ये कंप्लीट हो गया है। तो इसमें जो ये जो मैटर आया है डिक्रीज इन डब्ल्यू सी 500 रुपये, ये हमें फंड फ्लो स्टेटमेंट में लिखने की चीज़ है, तो इसको याद रखना होगा। तो इसलिए हम यहाँ लिख लेते हैं साइड में इसको डिक्रीज इन डब्ल्यू सी 500 रुपये। इसके बाद में हम जो चीज़ लेंगे वो है जो छोटे खाते होते हैं वो उनको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में एडजस्टेड पी एंड एल अकाउंट बनाएंगे, और उसके बाद में फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम फंड फ्लो स्टेटमेंट का एक प्रारूप बना लेते हैं, जो चीज़ें हमें चाहिए कि वो बाद में बनाते रहेंगे। फंड फ्लो स्टेटमेंट इसके लिए सोर्स, अमाउंट और यूजेज और अमाउंट, इस तरीके से हमें कॉलम बनाने हैं अमाउंट यूजेज के और सोर्स के। तो इसका प्रारूप तो हमने बना लिया है, और इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं। तो सबसे पहले हमने जो वर्किंग कैपिटल में डिक्रीज हुई थी वो लिखेंगे। तो डिक्रीज होती है तो इधर आती है डिक्रीज इन डब्ल्यू सी, तो ये आ गया 500 रुपये इधर। उसके बाद में हमें बनाना है वो है एडजस्टेड पी एंड एल अकाउंट। उसमें बाय बीडी लिखेंगे और इधर टू सीडी लिखेंगे। बाय बीडी पेंडल का बैलेंस है, यहाँ है ओपनिंग बैलेंस है 4000, और सीडी क्लोजिंग बैलेंस होता है ये लिखेंगे 6000। अब इसमें और कौन कौन सी चीज़ें जोड़ी जाएंगी उनसे संबंधित हमारे यहाँ पास यह प्रपोज डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्स है। ठीक है, इनके हम छोटे खाते बना करके और यहाँ लिखेंगे। तो पहले मैं बनाता हूँ वर्किंग नोट में होता है ये वर्किंग नोट प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। तो यहाँ लिखेंगे बाय बीडी और यहाँ लिखेंगे टू सीडी। बाय बीडी में ओपनिंग बैलेंस देखेंगे कितना है, ये 2000 है, और टू सीडी में है 3000। यहाँ बाय पी एंड एल 1000 से, तो इस तरीके से 3000 से क्या हो जाएगा, बैलेंस बराबर हो जाएगा। और उसके बाद में प्रपोज डिविडेंड है, इसका भी खाता बना लेते हैं। इसका भी लिखेंगे बाय बीडी, ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस इसका है वो है 1000, और टू सीडी ये है 2500, बाय पी एंड एल ये 1500, इसका जो बैलेंस है ये इधर आ जाएगा, यहाँ जो डिफरेंस रहेगा वो पी एंड एल में चला जाएगा, ये भी पी एंड एल में चले जाएंगे। तो इस तरीके से ये बराबर कर देते हैं इसका बैलेंस। तो ये जो पी एंड एल की राशि है प्रोविजन फॉर टैक्स टू
प्रोविजन फॉर टैक्स ये है 1000 टू प्रपोज्ड डिविडेंड 1500। और इसमें किसी प्रकार की कोई चीज़ है जो नहीं आने वाली, इतनी चीज़ें थी तो इनका टोटल कर लेते हैं ज़रा। तो ये हो गए 6,788,500 बाई फंड फ्रॉम ऑपरेशन। तो जो डिफरेंस रहेगा वो रहेगा 4,500 का, इसे हम कहेंगे फंड फ्रॉम ऑपरेशन। तो इस तरीके से इस बैलेंस को हम क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। और अब यहाँ जो चीज़ आएगी वो आएगी फंड फ्रॉम ऑपरेशन। इधर लिखेंगे फंड फ्रॉम ऑपरेशन, ये है 4,500 रुपये से। और बाकी जो चीज़ें हैं उनका भी लेखा कर लेंगे। यहाँ देखेंगे जो नॉन करंट एसेट्स है, नॉन करंट लायबिलिटीज है, उनको देखते हैं। शेयर कैपिटल 10,000 थी, 15 हो गई है, तो इश्यू हो जाएगी। यहाँ लिखेंगे इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, तो ये है 5,000। बाकी चीज़ का लेखा हो गया है। इधर लिखेंगे फिक्स असेट्स में 10,000 थी, 20,000 हो जाती है। यहाँ लिखेंगे परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, ये है 20,000 से, सॉरी ये 10,000 बढ़ी है 10,000। स्टार्टिंग में 10 थी, 20 हो गई, इसका मतलब है कि 10,000 बढ़ गई, तो यहाँ 10,000 लिखेंगे। इस तरीके से हमारा बैलेंस क्या हो जाता है, ये बराबर हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा फंड फ्लो क्या होता है, कंप्लीट होता है। और इसमें जो चीज़ें दर्शाई गई थी वो हमने सारी की सारी उनके अनुसार ही सारी चीज़ें निकाल ली है। और बेसिक रूप से मैं थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि ये जो छोटे वर्किंग नोट में खाते होते हैं इनको बनाना चाहिए। इसके अलावा जो ये फिक्स एसेट्स का जो अकाउंट है हम सीधा भी लिख सकते हैं, यदि इसको आप थोड़ा दर्शाओगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो फिक्स एसेट्स का अकाउंट बनाते हैं, इसका होता है 2BD ओपनिंग बैलेंस, इसका दिया हुआ है 10,000 बाई CD, ये दे रखा है 20,000 टू बैंक 10,000 से, और खाता हो जाएगा इस तरीके से बराबर। तो ये जो टू बैंक है ये यहाँ नीचे लिखेंगे परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, यहाँ हो जाएगा परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। ये जो राशि है 10,000 है जो इस साइड में आ जाएगी, ठीक है, यूजेज में। तो इस तरीके से ये बैलेंस है दोनों का बराबर होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो कॉल करके ज़रूर पूछिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। थैंक यू।